औरत हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ औरत सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोज और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनती प्रेमनाथ और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पंडुरंग एस खेचिकर संगीत है जे शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस में देश भारत और भाषा औरत द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथन अंग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक सेर निकलता है खूबसूरत दे, से से रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपनी पत्नी बनना नहीं उसे देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गाँव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और रत रानी से जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेना किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहाँ डेरा डालती है आदिल को कैम्प में जुही मिलती और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसंग और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आख, आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बिना रॉयो ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदार निभाया और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्हास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूफमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक नेता मंगेशकर ने सुना, सुना, सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे नहीं दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आंखें आखों आखों में लता मंगेशकर ने दुनिया बन गई किस से दिल लता मंगेशकर ने सैमसन और डेहलीहाल की बाइबिल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से से सिल मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेम नाथ और बीना रॉय ने औरत के फिल्म फिल्मांकन के दौरान प्यार हो गया था और ने शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज के अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मूल किरदार निभा रहे थे निर्देशक प्रेमनाथ। प्रेमनाथ थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पचासी में सवान हो गई उनका जन्म इक्कीस नवम्बर सन उन्नीस छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत में राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस में पेशावर घंटाघर के पास करीमपुरा इलाके में वाता विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म पीएन की प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन की दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वे अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हाष्य और

सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था और सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोज और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनित प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पांडुरंग संगीत है शंकर जे जयकिशन जे की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस सौ तिरपन में देश भारत और भाषा हिंदी औरत द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथनांग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती जैसे ही आदिल मरते हुए को गोद में उठाता है और जैसे जैसे समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक शेर निकलता है और जो का पीछा करता हुआ देख देता है और आदिल को उस क्षेत्र में होता है अकेले ही शेर ने से कुश्ती लड़ता है और राजा की मंगेतर से शेर से बचाता है जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में आए महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपनी पत्नी बनना नहीं उसे देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतिक्षारत रानी से भिड़ने जाते और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है रादिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहां डेरा डालती है आदिल को कैम में जूही मिलती और है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसन और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढागा जूही के रूप में बीना रॉय ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदार निभाया और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्हास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत तो गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंदर ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द ठहरे लता मंगेशकर ने गाया था नैनो में नैन हुए चार मंगेशकर तो ने गाया था, था उल्फत का साज छेड़ सुना ले छेड़ सुना ले सुना, ल, सुना। लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता, लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का गम वे नहीं दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आंखें आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने कहा ये दुनिया बन गई किस बहराम से लता मंगेशकर ने मुक्त करना में देखा कि औरत सैमसन और डेलीहॉल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेलीहॉल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेमनाथ और बीना रॉय जी ने औरत के फिल्मंकन के दौरान प्यार हो गया था और ने शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज के अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ-साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत 1953 में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज़ लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के के मूल मूल किरदार किरदार बारे में जो थे प्रेमनाथ प्रेमनाथ को आप सभी अच्छे से जानते होंगे प्रेमनाथ एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पचासी में समान हो गई उनका जन्म इक्कीस नवंबर सन उन्नीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था व्यवसाय जीवन साथी बच्चे प्रेम कृष्ण कैलाश नाथ रिश्तेदार राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में वाता विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर जब चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रोय से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सब की दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वे अभिनेत्री मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हर्ष और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा के भी करीबी दोस्त प्रेमनाथ ने अपनी की शुरुआत मोनिका दसराई से की अजीत से की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता रही सन उन्नीस सौ इक्यावन नाथ ने बादल और मधुबाला के साथ अभिनय किया जो बॉक्स इसके बाद देखा गया कि वे कई फिल्मों में अपनी पत्नी बिना रॉय के साथ प्रमुख भूमिका नजर आई जो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही उन्होंने पीएन फिल्म्स नाम के फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म की समुन्दर सन उन्नीस सौ सत्ता सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था बस सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोज और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनीति प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ने जब शेद ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस खेचिकर संगीत है जे शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस में देश भारत और भाषा हिंदी औरत तो द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथनांग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें तो बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक सेर निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ दे, देता है, है।, है, से, से है। खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में आये महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और जूही आदिल से, से प्रभावित ठुकरा देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता है और राजा और प्रतीक्षारत रानी से भिड़ने जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहां डेरा डालती है आदिल को कैम में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसंग और ए, डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढागा जूही के रूप में बिना रॉय ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदानिभा और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्हास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत कि गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द ठहरे लता मंगेशकर ने गाया था मंगेशकर ने में चार मंगेश गाया था उल्फत का साज छेड़ सुना लुना लता सुना, सुना, मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्दे उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे नहीं दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आंखें आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गाया ये दुनिया बन गई किस बहराम से दिल लता मंगेशकर ने मुक्त करना में देखा कि औरत सैमसन और डेहरियाल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से, से सिल बी डेमले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के

इक्कीस नवंबर सन उन्नीस छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत में, में राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म छब उन्नीस में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में वाता विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम, नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है प्रेम नाथ ने महसूस मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सबकी दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्हें रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वह अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हाष्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा परेख के भी करीबी दोस्त थे मोनिका तो साई से ठीक दिन पहले साल की अजीत से की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल

सत्तावन में निर्देशक किया जो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा फल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था सन उन्नीस सौ तिरपन में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोस और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनी प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस खेचिकर संगीत है जो शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस में देश भारत और भाषा हिंदी औरत द्वारा सैमसन और डेली लहाल की कहानी को दोहराते हुए कथनांग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें तो बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक सेर निकलता है खूबसूरत दे, से से, से रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपनी पत्नी बनना नहीं उसे देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतीक्षारत रानी से बिड़ने जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहाँ डेरा डालती है आदिल को कैम में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे है जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसन और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आख, आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बिना रॉयो ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदान निभाया और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्हास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द ए ठहरे लता मंगेशकर ने गाया था मंगेशकर ने गाया था उल्फत का साज छेड़ सुना ले ले छेड़ सुना सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे नहीं दिया गम लता मंगेशकर ने गाया में आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गा ये दुनिया बन गई किस बहराम से दिल लता मंगेशकर ने मुफ्त और नाम देखा कि औरत सैमसन और डेहरियाल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से, से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेम नाथ और बीना रॉय ने औरत के फिल्म मंकन के दौरान प्यार हो गया था और ने शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज के अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मूल किरदार निभा रहे थे प्रेमनाथ प्रेमनाथ को आप सभी अच्छे से जानते होंगे प्रेमनाथ एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तिली फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पिचासी में सवान हो गई जिनका जन्म इक्कीस नवंबर सन उन्नीस सौ छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था निर्देशक जीवन साथी बीना बच्चे प्रेम कृष्ण कैलाश नाथ रिश्तेदार राजेंद्र नाथ भाई नरेंद्र नाथ भाई, भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म छब में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में वाता विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान पीएन की फिल्म नाम एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सबकी दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्हें रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वह अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हास्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा परेख के भी करीबी दोस्त थे में उनके उनके दिन से ठीक दिन पहले साल की जो पहली रंगीन फिल्मों में, दिल का में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल और मधुबाला के साथ अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल उन्हें सन उन्नीस में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ सा शानदार टेक्निकल फिल्म आन में अभिनय किया जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी इसके बाद देखा गया कि वे कई फिल्मों में अपनी पत्नी बीना रॉय के साथ प्रमुख भूमिका नजर आई जो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही उन्होंने पीएन फिल्म्स नाम के फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म की समुद्र सत्तावन में निर्देशक किया जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था तिरपन में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा था आगा जानी कश्मीरी बल किशन और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनी प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पंड एस खेचिकर चिकर संगीत है जय शंकर किशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस में देश भारत और भाषा हिंदी द्वारा सैमसन और डेली लाल की कहानी को दोहराते हुए कथन की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा माँ के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही आदिल मरते हुए आदमी को गोद में उठाता है और वह उससे वादा करता है कि वह उसकी बेटी रूही की देखभाल करेगी और इसके बाद रूही आदिल और उसकी माँ के साथ रहने लगती है और जैसे जैसे समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दलित दलीला को एक किरदार निभाएगी और शिकार यात्रा पर जूही और आ राजा आ अलग हो जाते हैं और 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 एक एक गुफा में में शेर निकलता है 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 जूही का पीछा करता देख देता है और आदिल को उस क्षेत्र होता है। अकेले ही शेर ने से कुश्ती लड़ता है और राजा की बंगे से शेर से बचाता है जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता और वादा करता है कि आदिल के, आदिल से होती है। और के साथ वह ग्रामीणों को अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी बनना चाह उचित नहीं समानता उसे ठुकरा देता है और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गाँव में जबरन मजबूरी कर ने को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता है और राजा और, रानी से जाता है। और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया प्रयास आदेश आदेश व्यर्थ रहते हैं अंत में जूह राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहां डेरा डालती है आदिल को कैंप में जुही मिलती और वह धीरे-धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जुही आदिल को मेफिला पदार्थ देती और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वे उसके बाल काट देती और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैम्सन और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आ, खिरकार आदिल जुही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढालना जुही के रूप में बिना रोहने की कहानी में आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने की कहानी में रूही के रूप में पूर्णिमा ने की कहानी में और उल्हास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द जिगर ठहरे जता मंगेशकर ने गाया था नैनो में नैन हुए चार लता मंगेशकर ने गाया था उल्फत का साज छेड़ सुना ले छेड़ सुना ले सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहाँ लता मंगेशकर ने गया अपने लूट जाने का का गम वे ने दिया गम लता मंगेशकर ने गया आंखों आंखों में आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गया ये दुनिया बन गई किस बहराम से दिल लता मंगेशकर ने गया मुक्त ना में देखा कि औरत सैमसन और डेलियल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हॉल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेमनाथ और बीना रॉय जिन्हें शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज के अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा 2021 को लिया गया निभा रहे थे निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन तो उन्नीस सौ पिचासी में समान हो गयी इनका जन्म 21 नवंबर सन उन्नीस सौ छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में खेखबर

चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रॉय से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम कृष्ण और कैलाश नाथ है प्रेम नाथ ने महसूस मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सब की दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी, थी तो रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वह अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन किसान ने राज कपूर से शादी की और जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हास्य और

सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था बरस सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोस और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनी प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा छायाकन ने जब शेद ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस खेचिकर संगीत है जे शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस सौ तिरपन में देश भारत और भाषा हिंदी औरत द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथानक की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक शेर निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ देख है और आदिल को उस क्षेत्र में होता है अकेले ही शेर ने से कुश्ती लड़ता है और राजा की मंगे से शेर से बचाता है जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और जूही आदिल से प्रभावित होती है और वह आदिल को इस बारे में बताती है आदिल एक मंगेतर के लिए अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी बनना उचित नहीं समझता उसे ठुकरा देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतीक्षारत रानी से भिड़ने जाते गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहां डेरा डालती है आदिल को कैम में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसंग और ए, डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढागा जूही के रूप में बिना रॉय ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदान निभाया और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उलहास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंदर ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द जिकर ठहरे जता मंगेशकर ने गाया था नैनो में नैन हुए चार मंगेशकर ने गाया था उल्फत का साज छेड़ छेड़ सुना ल, सुना ले ले सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे नहीं दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आखे में आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गाया ये दुनिया बन गई किस बहराम से दिल लता मंगेशकर ने मुक्त और हमें देखा कि औरत सैमसन और डेलीहाल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से से सिल बी डी द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेलीहाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेमनाथ और बीना औरत के फिल्म के हो गया था और ने वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पचासी में समान हो गए उनका जन्म इक्कीस नवंबर सन उन्नीस सौ में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था व्यवसाय जीवन साथी बीना रॉय बच्चे प्रेम कृष्ण कैलाश नाथ रिश्तेदार राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में हुआ था विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रोय से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सबकी दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी, थी तो उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वे अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हास्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा के भी करीबी दोस्त थे मौनिका में में चा। दसराई से दिन पहले, साल की जो पहली रंगीन फिल्मों में दिल का पड़ने से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता रही सन उन्नीस सौ इक्यावनवे नाथ ने बादल और मधुबाला के साथ अभिनय किया जो बड़ी पर उन्हें थी इसके बाद देखा गया कि वे कई फिल्मों में अपनी पत्नी बीना रॉय के साथ प्रमुख भूमिका नजर आई जो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही उन्होंने पीएन फिल्म्स नाम के फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म की समुद्र सन उन्नीस सौ सत्तावन सत्तावन में निर्देशक किया जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था सन उन्नीस सौ तिरपन में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोस और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनीति प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस खेचिकर संगीत है जय शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस सौ तिरपन में देश भारत और भाषा हिंदी औरत द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथनांग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक शेर निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ देख लेता है और आदिल को उस क्षेत्र में होता है अकेले ही शेर ने से कुश्ती लड़ता है और राजा की बंगेदर से शेर से बचाता है जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग्स जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और जूही आदिल से प्रभावित होती और, अपनी पत्नी बनना नहीं उसे देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतीक्षारत रानी से बिड़ने जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहाँ डेरा डालती है आदिल को कैम्प में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे है जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसंग और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढामा जूही के रूप में बिना रॉय ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदानिभा और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्लास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द जिगर ठहरे लता मंगेशकर ने गाया था मंगेशकर ने गाया था उल्फत सुना छेड़ सुना लता सुना, सुना, मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्दे उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे ने दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आके आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गाया ये दुनिया बन गई किस बहराम से दिल लता मंगेशकर ने मुफ्त और नाम देखा कि औरत सैमसन और डेहलियाल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से, से सिल बी डे मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेमनाथ और बीना रॉय ने औरत के फिल्म मंकन के दौरान प्यार हो गया था और ने शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज के अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के

इक्कीस नवंबर सन उन्नीस छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत में, में राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म छब में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में हुआ था विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रॉय से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन फिल्म नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सब की दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्हें रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वह अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज़्यादातर हाष्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा परेख के भी करीबी दोस्त थे मोनिका दाई से दिन पहले साल की अजीत से की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता रही सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल और मधुबाला के साथ अभिनय किया जो बड़ी रही उन्हें थी इसके बाद देखा गया कि वे कई फिल्मों में अपनी पत्नी बिना रॉय के साथ प्रमुख भूमिका नजर आई जो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही उन्होंने पीएन फिल्म्स नाम के फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म की समुन्दर सत्तावन में निर्देशक किया जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था और सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोज और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनीति प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पांडुरंग संगीत है जे शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस में देश भारत और भाषा औरत द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथन की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती जैसे ही आदिल मरते हुए को गोद में उठाता है और उससे वादा करता है कि उसकी बेटी की जैसे जैसे समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक शेर निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ देख है और आदिल को उस क्षेत्र में होता है अकेले ही शेर ने से कुश्ती लड़ता है और राजा की मंगे से शेर से बचाता है जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में आये महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और जूही आदिल से प्रभावित होती है। और और समय के साथ वे धारणा प्यार में में बदल जाती है है वह आदिल आदिल को इस बारे में बताती है। आदिल एक मंगेतर के लिए अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी बनना उचित नहीं उसे ठुकरा देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतीक्षारत रानी से बिड़ने जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेना किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहाँ डेरा डालती है आदिल को कैम में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे है जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैनसंग और ए, डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बिना रॉय ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदानिभा रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और, मैं, और उल्हास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूफमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द ठहरे लता मंगेशकर ने गाया था मंगेशकर ने गाया था उल्फत का साज छेड़, सुनाले, छेड़ सुना ले ले छेड़ सुना सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे ने दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आंखे में आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गाया ये दुनिया बन गई किस बहरान से दिल लता मंगेशकर ने मुक्त और नामे देखा कि औरत सैमसन और डेहरियाल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से, से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेमनाथ और बीना रॉय जिन्हें औरत के फिल्म मंकन के दौरान प्यार हो गया था और ने शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज के अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया और उन्नीस सौ तिरपन में हिंदी की पूर्व समीक्षा 2021 को लिया गया निभा रहे थे प्रेमनाथ। प्रेमनाथ को आप सभी से जानते प्रेमनाथ एक नेता निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में मेंचासी में स्वान हो गई उनका जन्म 21 नवंबर सन उन्नीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में खेखेबर पाकिस्तान में हुआ था उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस सौ छब्बीस में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में हुआ था विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रोये से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है प्रेम नाथ ने महसूस मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सबकी दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्होंने रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वे अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हास्य और

और मधुबाला के साथ अभिनय किया जो थी इसके बाद देखा गया कि वे कई फिल्मों में अपनी पत्नी बिना रॉय के साथ प्रमुख भूमिका नजर आई जो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल आई उन्होंने पीएन फिल्म्स नाम के फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म की समुद्र सन सत्ता सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था और सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटका था आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोज और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया हम राम वर्मा ने बीनीति प्रेमनाथ बीनाराव और पुनीम छायंक ने जब सेठ ईरानी संपादित किया पांडुरम एस केचिकर संगीत है जे शंकर जयकिशन के उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म्स के किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन 1953 में देश भारत और भाषा हिंदी औरत द्वारा सैमसन और डेली तो 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 लाल की कहानी को दोहराते हुए कथानक की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती जैसे ही आदिल मरते हुए को गोद में उठाता है और उससे वादा करता है कि उसकी बेटी की जैसे जैसे समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक शेर निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ देख देता है और आदिल को उस क्षेत्र में होता है अकेले ही शेर ने से कुछ चीज लड़ता है और राजा की मंगे से शेर से बचाता है जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपनी पत्नी बनना नहीं उसे देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतिक्षारत रानी से भिड़ने जाता है और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहां डेरा डालती है आदिल को कैम्प में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काट है जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसन और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आख, आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बिना रॉय के किरदार में आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदार निभाया और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्लास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूफमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द जिगर ठहरे जता मंगेशकर ने गाया था नैनो में नैन हुए चार लता मंगेशकर ने गाया था उल्फत का साज छेड़ सुना ले ले छेड़ सुना, सुना सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे ने दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आखे में आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गाया ये दुनिया बन गई किस बहरान से दिल लता मंगेशकर ने मुक्त वर्णा में देखा कि औरत सैमसन और डेहरियाल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से, से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज़ लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के के मूल मूल किरदार किरदार बारे में जो रहे थे प्रेमनाथ प्रेमनाथ को आप सभी अच्छे से जानते होंगे प्रेमनाथ एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पचासी में समान हो गए उनका जन्म इक्कीस नवंबर सन उन्नीस छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत में, में राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस सौ में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में हुआ था विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रोय से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम कृष्ण और कैलाश नाथ है प्रेम नाथ ने महसूस मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सब की दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार नहीं हो गई थी तो उन्होंने रिस्टा, उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वे अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिर मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की और जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हर्ष्य सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा परेख के भी करीबी दोस्त थे मोनिका दसाई से दिन पहले, साल की अजीत से की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल और मधुबाला के साथ अभिनय किया जो थी इसके बाद देखा गया कि वे कई फिल्मों में अपनी पत्नी बिना रॉय के साथ प्रमुख भूमिका नजर आई जो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही उन्होंने पीएन फिल्म्स नाम के फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म की समुद्र सन उन्नीस सत्ता सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था और सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोज और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनति प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा छायाकन ने जब शेद ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस के चिकर संगीत है जे शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस सौ तिरपन में देश भारत और भाषा औरत द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथनांग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ दे, देता है, है।, से है, से से है। खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और जूही आदिल से प्रभावित होती है और वह दारन, आदिल को इस बारे में बताती है आदिल एक मंगेतर के लिए अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी बनना उचित नहीं उसे ठुकरा देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतीक्षारत रानी से भिड़ने जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपनी कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी याशमीन के साथ वहाँ डेरा डालती है आदिल को कैम में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे है जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसन और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बीना रॉय ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेम नाथ ने किरदानिभा और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्हास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द जिगर ठहरे लता मंगेशकर ने गाया था मंगेशकर ने गाया था उल्फत का साज छेड़ सुना ले ले छेड़ सुना ल, सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्दे उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे ने दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आंखें आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गाया ये दुनिया बन गई किस बहराम से दिल लता मंगेशकर ने मुक्त मुफ्त में देखा कि औरत सैमसन और डेहरियाल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से, से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेमनाथ और बीना रॉय ने औरत के फिल्मांकन के दौरान प्यार हो गया था और ने शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज के अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था इसके निर्देशक इस थे, प्रेमनाथ। प्रेमनाथ थे, थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पचासी में समान हो गई जिनका जन्म इक्कीस नवम्बर सन उन्नीस छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत जो पाकिस्तान में, में राजेंद्र नाथ भाई नरेंद्र नाथ भाई, भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस चब... में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में हुआ था विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर जब चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है प्रेम नाथ ने महसूस मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सबकी दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्हें रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वह अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हाष्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा परेख के भी करीबी दोस्त प्रेमनाथ ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मोनिका दसराई से की अजीत से की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल

सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था और सन उन्नीस सौ तिरपन में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोस और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनीति प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ने जब शेद ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस खेचिकर संगीत है जो शंकर जयकिशन के उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस में देश भारत और भाषा औरत द्वारा सैमसन और डेली लाल की कहानी को दोहराते हुए कथनांग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती जैसे ही आदिल मरते हुए को में उठाता है और उससे करता है कि उसकी बेटी की जैसे जैसे समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ दे, देता है और, और से, से खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपनी पत्नी बनना नहीं उसे देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतिक्षारत रानी से भिड़ने और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहाँ डेरा डालती है आदिल को कैम में जूही मिलती है। और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसंग और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आख, आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बिना रॉय ने किरदार निभाए आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदान निभाया और रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्लास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंदर ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द जिगर ठहरे मंगेशकर ने गाया था मंगेशकर ने गाया था उल्फत का साज छेड़ सुना ले छेड़ सुना ले सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का गम वे ने दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आंखें आंकों अंकों में लता मंगेशकर नेगा ये दुनिया बन गई किस बेहराम से दिलता मंगेशकर ने मुक्त ना में देखा कि औरत सैमसन और डेलीहॉल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेलीहॉल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेमनाथ और बीना रॉय जी ने औरत के फिल्मंकन के दौरान प्यार हो गया था और ने शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज के अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ-साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया और 1953 में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मूल किरदार निभा रहे थे प्रेमनाथ प्रेमनाथ को आप सभी अच्छे से जानते होंगे प्रेमनाथ एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पिचासी में सवान हो गई इनका जन्म इक्कीस नवंबर सन उन्नीस छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत में कैलाश नाथ रिश्तेदार राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस सौ में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में वाता विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और चले गया जहां एक के रूप में पहचाना की शूटिंग के दौरान उन्हें बीना से प्यार हो गया। उन्होंने और पीएन नाम, नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन की दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्हें रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वे अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज़्यादातर हास्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा परेख के भी करीबी दोस्त थे मौनिका दसाई तो तो से की अजीत से की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक फिल्म आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता रही सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल

सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था और सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा था आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोस और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने विनीति प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस के चिकर संगीत है जय शंकर जयकिशन के उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस में देश भारत और भाषा औरत द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथनांग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक निकलता है खूबसूरत से 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 रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपनी पत्नी बनना नहीं उसे देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गाँव में जबरन मजबूरी करवाने को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और रत रानी से बिड़ने जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहाँ डेरा डालती है आदिल को कैम्प में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे है जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसन और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आख... आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बिना रॉयो ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदार निभाया रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उल्हास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूफमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक तो साज मंगेश सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे नहीं दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आखे आँखों आँखों में लता मंगेशकर ने ये दुनिया बन गई किस से मंगेशकर ने देखा कि औरत सैमसन और हाल की बाइबिल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से से बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार के, के बारे में जो मूल किरदार निभा रहे थे प्रेमनाथ 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 को आप सभी अच्छे से जानते होंगे एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सो से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पिचासी में सवान हो गई उनका जन्म इक्कीस नवम्बर सन उन्नीस छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत में, में राजेंद्र नाथ भाई नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस में पेशावर घंटाघर के पास करीमपुरा इलाके में वाता विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रोये से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है प्रेम नाथ ने महसूस मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सबकी दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्होंने रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वे अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की और जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हास्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा परेख के भी करीबी दोस्त थे मोनिका दाई से किया से की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता रही सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल

सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था बस सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोज और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनी प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पंडुरंग एस के चिकर संगीत है जो शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस सौ तिरपन में देश भारत और भाषा हिंदी औरत तो द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथन की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें तो बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक शेर निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ देख है और आदिल को उस क्षेत्र में होता है अकेले ही शेर ने से कुश्ती लड़ता है है और राजा की बंगेतर से से शेर बचाता जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और जूही आदिल से प्रभावित होती है और वह दारन, आदिल को इस बारे में बताती है आदिल एक मंगेतर के लिए अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी बनना उचित नहीं समझता उसे ठुकरा देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतीक्षारत रानी से भिड़ने राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है रादिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहाँ डेरा डालती है आदिल को कैम्प में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे है जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसंग और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बिना रॉय ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेमनाथ ने किरदार निभाया रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उलहास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंदर ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द ए जिगर ठहरे जता मंगेशकर ने में नैन चार करने गाया था नैनो में नैन हुए उल्फत सुना छेड़ सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्द उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे ने दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आंखें आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गाया ये दुनिया बन गई किस बहराम से दिल लता मंगेशकर ने मुक्त के वरना में देखा कि औरत सैमसन और डेलियल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से, से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेलियल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद प्रेमनाथ और बीना औरत के फिल्म मंकन के वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के मूवीज लिमिटेड 20 जुलाई 2021 को लिया गया था निर्देशक थे, प्रेमनाथ। प्रेमनाथ थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे प्रेमनाथ ने फिल्म के अजीत में अपनी शुरुआत और अपने पूरे कैरियर में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया जिन्हें तीन फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ नामांकित किया गया था और बाद में सन उन्नीस सौ पचासी में समान हो गई उनका जन्म इक्कीस नवंबर सन उन्नीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था वे ने जीवन साथी बीना बच्चे प्रेम कृष्ण कैलाश नाथ रिश्तेदार राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म उन्नीस में पेशावर घंटाघर के पास एक करीमपुरा इलाके में हुआ था विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रोय से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम किशन और कैलाश नाथ है प्रेम नाथ ने महसूस मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सब की दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्होंने रिस्ता, उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वे अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की और जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज्यादातर हास्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा परेख के भी करीबी दोस्त थे मोनिका दसराई से, से की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल

सत्तावन में निर्देशक है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा फल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था बस सन उन्नीस सौ तिरपन में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन स्मोस और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनति प्रेमनाथ बीना रॉय और पुणिमा ने जब शेद ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस के चिकर संगीत है जे शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस सौ तिरपन में देश भारत और औरत द्वारा सैमसन और डेली लाहल की कहानी को दोहराते हुए कथानक की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे ही समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो, और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और वह शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक शेर निकलता है और जोही का पीछा करता हुआ देख देता है और आदिल को उस क्षेत्र में होता है अकेले ही शेर ने से कुश्ती लड़ता है और राजा की बंगेतर से शेर से बचाता है जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग्स जोही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में अमैत कोण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के से जबरन श्रम का सामना नहीं करना पड़ेगा और जूही आदिल से प्रभावित होती और और समय के साथ वे धारणा प्यार में बदल जाती है वह आदिल को इस बारे में बताती है। आदिल एक मंगेतर के लिए अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी बनना उचित नहीं उसे ठुकरा देता और आदिल की प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर जूही ने आदिल के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और राजा से एक बार फिर आदिल के गांव में जबरन मजबूरी कराने कर को कहा इससे आदिल क्रोधित हो जाता और राजा और प्रतीक्षारत रानी से बिड़ने जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल डेरा डाले हुए था और अपनी नौकरानी यास्मीन के साथ वहां डेरा डालती है आदिल को कैम्प में जूही मिलती है और वह धीरे धीरे उसके आकर्षण में फंस जाता है और उससे प्यार करने लगता है एक साथ समय बिताते हुए वह उसके सामने कबूल करता है कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है जो अगर काटे जाते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी इसलिए जूही आदिल को नशीला पदार्थ देती है और जब वह गहरी नींद में सो जाता है तो वह उसके बाल काट देती है और उससे राजा के रक्षकों को सौंप देती है फिल्म सैमसंग और डेली हाल की कहानी को दोहराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शकों को बताती है कि आखिरकार आख, आदिल जूही रूही के राजा के साथ क्या हुआ था ढांगा जूही के रूप में बिना रॉय ने किरदार निभाया आदिल के रूप में प्रेम नाथ ने किरदार निभाया रूही के रूप में पूर्णिमा ने किरदार निभाया और उलहास के राजा के रूप में नजर आए और हीरा लाल सैन्य कमांडर के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए और यास्मीन के रूप में रूपमाला ने किरदार निभाया था संगीत गीत शंकर जयकिशन ने दिया जबकि हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने भी गीत लिखे और शीर्षक देखे गए तो दर्द जिगर ठहरे मंगेशकर ने गाया था मंगेशकर ने गाया था उल्फत का साज छेड़ सुना ले छेड़ सुना ले सुना लता मंगेशकर ने गाया सुना सुना है जहां लता मंगेशकर ने गाया दर्दे उल्फत छुपाए कहा लता मंगेशकर ने गाया अपने लूट जाने का, का गम वे ने दिया गम लता मंगेशकर ने गाया आंखें आंखों आंखों में लता मंगेशकर ने गाया ये दुनिया बन गई किस बहराम से दिल लता मंगेशकर ने मुफ्त के नाम में देखा कि औरत सैमसन और डेहलियाल की बाइबल कहानी का पुनः लेखन है औरत को से, से सिल बी डी मिले द्वारा निर्देशित हॉलीवुड फिल्म सैमसन एंड डेली हाल की रिलीज के तुरंत बाद रिलीज किया गया था अपने हॉलीवुड संस्करण के विपरीत औरत बॉक्स ऑफिस और पर सफल नहीं रही और फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद और और बीना रॉय ने औरत औरत के फिल्म मंकन के के दौरान प्यार हो गया शादी कर ली इसके अलावा औरत की रिलीज अगले साल फिल्म के निर्देशक भगवान दास वर्मा ने पूर्णिमा से शादी की जिन्होंने औरत के साथ साथ वर्मा फिल्म द्वारा बनाई गई पिछली फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संदर्भ में देखा गया औरत उन्नीस में हिंदी की पूर्व समीक्षा गाने ट्रेलर के

इक्कीस नवंबर सन उन्नीस छब्बीस में पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, में राजेंद्र नाथ भाई राज नरेंद्र नाथ भाई कृष्णा कपूर बहन और उमा चोपड़ा बहन राज कपूर जीजा और प्रेम चोपड़ा जीजा व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि उनका जन्म छब चब... में पेशावर घंटाघर के पास करीमपुरा इलाके में हुआ था विभाजन के बाद उनका परिवार जबलपुर चला गया और वह मुंबई चले गए जहां उन्हें एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान उन्हें अभिनेत्री बीना रॉय से प्यार हो गया उन्होंने शादी और पीएन की फिल्म नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई उनके, उनके बच्चे अभिनेता प्रेम कृष्ण और कैलाश नाथ है प्रेम नाथ ने महसूस मशहूर अभिनेत्री मधुबाला को भी डेट किया लेकिन उन सबकी दिलचस्पी अभिनेता दिलीप कुमार में हो गई थी तो उन्हें रिश्ता उन्होंने रिश्ता बंद कर दिया वह अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा और निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा के के दादा दादी थे जो प्रेम कृष्ण के बच्चे आदिल राज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा कैलाश नाथ के बेटे थे उनकी कृष्ण बहन कृष्ण ने राज कपूर से शादी की जबकि उनकी दूसरी बहन उमा की शादी अनुभवी हिंदी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा से और उनके भाई राजेंद्र नाथ राजेंद्र नरेंद्र नाथ भी अभिनेता थे जो ज़्यादातर हाष्य और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए वह अभिनेत्री आशा के भी दोस्त थे नुस 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 में जन्मदिन साई से ठीक दिन पहले साल की अजीत से उनकी हो का के बारे में के ने की जो पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी उन्होंने राज कपूर की पहली निर्देशक फिल्म आग से और बरसात की प्रमुख भूमिका निभाई जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी सन उन्नीस सौ इक्यावन में नाथ ने बादल

सत्तावन में निर्देशक किया जो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा फल रही थी और एकमात्र निर्देशक प्रयास रहा था सन उन्नीस में बनी एक मुंशी राम वर्मा द्वारा निर्देश निर्मित और भगवान दास वर्मा द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिल्म में प्रेमनाथ और बीना रॉय और पूर्णिमा है फिल्म का निर्देशक भगवान दास वर्मा लेखक है भगवान दास वर्मा पटकथा आगा जानी कश्मीरी बल किशन समोस और रतिलाल ठाकुर कहानी उत्पादित किया मुंशी राम वर्मा ने अभिनी प्रेमनाथ बीना रॉय और पूर्णिमा ईरानी संपादित किया पांडुरंग एस खेचिकर संगीत है जे शंकर जयकिशन की उत्पादन कंपनी वर्मा फिल्म किया वर्मा फिल्म में रिलीज हुई सन उन्नीस में देश भारत और भाषा औरत द्वारा सैमसन और डेली लाल की कहानी को दोहराते हुए कथनांग की शुरुआत आदिल के परिचय से होती है जो हिंदी भाषा संस्करण में सैमसन की भूमिका निभाता है आदिल एक बहुत ताकतवर आदमी जो अपनी विधवा मां के साथ एक गांव में रहता है एक दिन राजा का सैन्य कमांडर आदिल के गांव में आता है और ग्रामीणों को सूचित करता है कि राजा के लिए एक नया महल बनाने के लिए उन्हें रोज उन्हें बेघर करने की आवश्यकता होगी होने वाले टकराव के दौरान आदिल कमांडर और उसके सहयोगियों को भगा देता है लेकिन इस प्रतिक्रिया में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जैसे समय बीतता है रूही को आदिल से प्यार हो जाता है कहानी जूही के परिचय से शुरू होती है हो और जिसकी राजा से मांगनी हो चुकी है और वह दल दलीला को एक किरदार निभाएगी और शिकार यात्रा पर जूही और राजा अलग हो जाते हैं और एक गुफा में एक शेर निकलता है और जूही का पीछा करता हुआ देख देता है और आदिल को उस क्षेत्र में होता है अकेले ही शेर ने से कुश्ती लड़ता है और राजा की मंगेतर से शेर से बचाता है जिससे उसे खूबसूरत रानी इन वेटिंग जूही का आभार प्राप्त होता है राजा आदिल से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना में आए महत्वपूर्ण बाहर कार्य भर देता है और वादा करता है कि आदिल के साथी ग्रामीणों को उसकी सेना के

रत रानी से भिड़ने जाता और राजा ने आदिल को बर्खास्त किया और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया आदिल पहाड़ियों की ओर भाग जाता है आदिल को पकड़ने के लिए राजा की सेनाओं द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ रहते हैं अंत में जूही राजा से कहती है कि वह आदिल को वो वापस लाएगी और अपने कैदी बनाएगी जब राजा सहमत हो जाता है तो जूही उस पहाड़ी पर चली जाती है जहाँ आदिल